हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरके फूडी कुकिंग। स्वाद का राज। तो आज हम बनाएंगे उड़द दाल से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से पकौड़े। सिंपल सी रेसिपी है पर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे ऑल वीडियोज एंड नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं उड़द दाल के खस्ता करारे एकदम पकौड़े। सबसे पहले ये उड़द दाल है, इसको 3 से 4 घंटे के लिए सोख करके रख दिया था और ये अच्छे से अंदर तक भीग चुकी है। तो अब इसको एक ग्राइंडर में डालकर बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो आप चाहें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें पर ये ऐसे ही हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं रखना है। तो देखिए बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और दाल को एकदम बढ़िया से फेंट लेंगे, बिल्कुल इसमें हवा भरनी है एकदम। जब ये फेंट जाएगी तो फूल कर इससे थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाएगी और दाल बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगी। तो देखिए दाल बिल्कुल एकदम स्मूथ फिट चुकी है, रेडी हो चुकी है, ये बिल्कुल वाइट हो गई है और फिट चुकी है। इसको पता करने के लिए चम्मच से थोड़ी सी दाल लेंगे, एक कटोरी पानी लेंगे, इसमें थोड़ी सी दाल डालकर देखेंगे। दाल अगर ऊपर आ जाएगी उठकर तो दाल फिट चुकी है अच्छे से। और तो अब इसमें आधा चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दीजिएगा। थोड़े से स्पाइसी बनाएंगे तो आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ी सी बिल्कुल हींग डालेंगे, चुटकी भर अजवाइन डालेंगे और ये आधा चम्मच के लगभग गरम मसाला है, ये 2 ग्रीन चिली हैं कट करके इनको डाल देंगे और ये ढेर सारा धनिया है इसको डाल देंगे और सारे मसालों को दाल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए दाल बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं मसाले अच्छे से। अब हाथों में थोड़ा सा बैटर लेंगे और कढ़ाई में मैंने ऑलरेडी ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हाथ से इस तरह से थोड़े बड़े बड़े साइज के पकौड़े टाइप से बनाकर डाल देंगे। सारे पकौड़ों को एक एक करके डाल देंगे इसमें, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है इसको। जब एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे तब पलटकर दूसरी साइड से भी इसी तरह के फ्राई कर लेंगे। तो देखिए पकौड़े में बढ़िया से कलर आ चुका है, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर के फ्राई हो चुके हैं एंड ऊपर से ये बिल्कुल एकदम क्रंची करा रहे हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो सारे पकौड़े मैंने निकाल लिए हैं और बाकी के बचे पकौड़े भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए बनकर तैयार हो चुके हैं उड़द दाल के क्रंची करारे पकौड़े। ये ऊपर से एकदम क्रंची होते हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो रेसिपी थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा हमारी रेसिपी कैसी लगी। ऐसी ही टेस्टी टेस्टी रेसिपी जानने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी और भी
वीडियोज एंड नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड वीडियो के एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।